दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश 100 मार्क्स और इंग्लिश 50 मार्क्स में कौन कौन से चैप्टर हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो है एक प्रोफेसर है इंग्लिश के, तो वो जो है अपना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जो कि आपके हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में आज आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखने वाले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में बताए हैं, उसके बाद कुछ पैटर्न के बारे में बताए हैं, यहाँ पे कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जो कि वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। यहाँ पे ये 50 मार्क्स इंग्लिश के बारे में बताए हैं। अब जो है यहाँ पे हेडलाइन क्या है, हेडलाइन हमारा आ जाता है अंग्रेजी के लिए ग्रामर और स्पेलिंग को करे दुरुस्त। अंग्रेजी के लिए ग्रामर और स्पेलिंग को करे दुरुस्त। यहाँ पे जो है हम लोग अब देख लेते हैं, कुछ ही देर में हम लोग सारे पैटर्न को समझेंगे और जो है हम लोग अभी देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर को, सभी कुछ देखने वाले हैं और कुछ अपना टिप्स शेयर करेंगे। तो अभी जो है पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ। अंग्रेजी में अच्छे अंक चाहिए तो अभी से ग्रामर का नियमित पढ़ाई करें। अब देखो, एक तो यहाँ पे बताया जा रहा है ग्रामर का प्रयास करने के लिए, मतलब उसका प्रैक्टिस करने के लिए, तो अपने लोग को अभी उतना टाइम नहीं बचा कि हम लोग अभी डेली मतलब इंग्लिश पे जोड़ दें, क्योंकि हम लोग के पास और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, तो हम लोग के पास ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये है कि हम लोग को इंग्लिश भी पढ़ना होगा। ये नहीं कि हम लोग को इंग्लिश नहीं पढ़ना, अपना जो है हिस्ट्री, केमिस्ट्री और बीएसटी यही सब पढ़ते रह जाए, तो ये नहीं करना है हम लोग को। स्पेलिंग पर विशेष ध्यान दे, रोज कम से कम 2 घंटे तक अभ्यास करें। देखो भाई, यहाँ तो लिखा हुआ 2 घंटे का प्रयास अभ्यास करें, लेकिन जो है अगर हम लोग इंग्लिश को 2 घंटे प्रयास करेंगे अभ्यास करेंगे तो अब जो है हम लोग का और सब्जेक्ट खराब हो जाएगा। तो इसलिए जो है मेरा जो सजेशन है, बस आप लोग जो है इंग्लिश को अगर तैयारी करना है इंग्लिश 100 मार्क्स का, तो आप मुश्किल से 45 मिनट आप इस पर दो। 45 मिनट से ज़्यादा इस पर मत दो डेली, लेकिन डेली देना है 45 मिनट डेली देना है अभी से, क्योंकि जो है टाइम बहुत कम है, आपको कम से कम 45 मिनट दीजिए, तब जाकर आपको अच्छा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे जो है अगला क्या है, यह सलाह इंटर टेली काउंसलिंग के लिए दौरान एन कॉलेज के प्रोफेसर सह पीजी विभाग के अंग्रेजी के प्रोफेसर बबन कुमार सिंह ने दी। शुक्रवार को अपने अखबार हिंदुस्तान में टेली काउंसलिंग का आयोजन कराया। इसमें जो है टेली काउंसलिंग होता है हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में, वहाँ पे जो है सारे स्टूडेंट कॉल करते हैं और उनको जो भी प्रॉब्लम होती है वो उनसे बात कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, 1 घंटे तक चली टेली काउंसलिंग, देश भर से कॉल आए। डॉक्टर सिन्हा ने बताया 50 से 60 प्रश्न होंगे। हम लोग तो ऑलरेडी जानते हैं 50 अंक का, अगर 100 मार्क्स का इंग्लिश का बात करें उसमें 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और फिर क्या आएगी, 50 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगी। अब जो है यहाँ बताया गया है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितने ग्रामर से रहेगा और कितने टेक्स्ट बुक यानी आपको स्टोरी और प्रो सेक्शन वगैरह से रहेगा। तो अभी हम लोग ये सारे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, हम लोग को यहाँ बताया गया है 30% ग्रामर और 20% टेक्स्ट बुक से सवाल होंगे। क्या है, 30% ग्रामर से, 30 जो है टोटल 30 मार्क्स का ग्रामर से क्वेश्चन रहेगा और फिर 20 मार्क्स से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन। किसमें ऑब्जेक्टिव नहीं, ये जो है बुक से क्वेश्चन रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में जो है टोटल 30 मार्क्स का ग्रामर और 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर जो है हमारा, उन्होंने बताया कि बिहार बोर्ड के मॉडल प्रश्न का अभ्यास करें। अब जो है मॉडल प्रश्न का अभ्यास करने के लिए वो बोल रहे हैं, ये बात सही है। हम लोग अगर मॉडल पेपर का तैयारी अगर अच्छे से करें तो हम लोग को ये होगा कि मॉडल सेट हम लोग को पता चल सकेगा कि कैसा हमारा एग्जाम है क्वेश्चन आएगा, और हम लोग जो है उससे जो है टाइम का पता चल सकेगा कि हम लोग उतने टाइम में हम लोग पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो 2012 से 2017 तक के प्रश्न पत्र को जरूर बना ले। कहा कि यहाँ पे ये सब बकवास है, हम लोग अब जो है आगे देख लेते हैं। वो बोल रहे हैं टेस्ट बुक से तैयारी करने के लिए, हम लोग के पास अभी उतना टाइम नहीं है कि हम लोग अब टेस्ट बुक से तैयारी करें और हम लोग को अच्छा मार्क्स आ जाए। तो हम लोग अब बस पैटर्न हम लोग पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखेंगे। अभी यहाँ पे क्या है, ऐसा रहेगा पैटर्न। चलिए हम लोग अब ये देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन बातों का रखे ख्याल। क्या है हमारे यहाँ पे, रोज तीन से चार घंटे पढ़ाई करें और फिर ग्रामर को दिन में पढ़ें। यहाँ पे बोल रहे हैं रोज तीन से चार घंटे पढ़ाई करें। हम लोग अगर इंग्लिश को अगर 3 से 4 घंटे अगर पढ़े तो क्या होने वाला है, और सब्जेक्ट मेरा चला गया अगर हम लोग। हाँ ये है, यहाँ पे ये बताया जा रहा होगा कि सभी सब्जेक्ट मिला के आपको 4 घंटा पढ़ने, लेकिन ये दोस्त 4 घंटा अगर दिन में अगर सभी सब्जेक्ट मिला के पढ़ोगे तो बहुत कम होगा। कम से कम आपको 6 आवर पढ़ना है, कम से कम मिनिमम, मैक्सिमम आप 8 आवर, कम से कम कोशिश करिए 8 आवर पढ़ने के लिए। अभी जो है कुछ इंपॉर्टेंट, अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए टाइम है ये जो है।
2012 से 2017 तक के प्रश्न पत्र का अभ्यास करें। इसमें बोला जा रहा है 2012 से 2017 तक का प्रश्न पत्र का अभ्यास करें, इन्हें भी जाने। अब यहाँ पे बताया जा रहा है 50 मार्क्स अंक वाले अल्टरनेटिव इंग्लिश में, 50 अंक का जो इंग्लिश आता है 50 मार्क्स इंग्लिश, उसमें जो 25 अंक के कहानी कविता, 25 अंक के वास्तुनिष्ठ। यहाँ पे अब जो है हम लोग देख लेते हैं क्या चीज़ ऐसा रहेगा, पैटर्न कैसा हमारा पैटर्न रहेगा 100 मार्क्स इंग्लिश में, 100 अंक वाला इंग्लिश में सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारा क्या पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वास्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 30 अंक और ग्रामर, यहाँ पे वास्तुनिष्ठ प्रश्न में हम लोग 30 अंक ग्रामर से और फिर 30 अंक किताब से। किताब से जो आपका प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन वगैरह जो हो जाता है उससे 20 अंक, और टोटल ग्रामर से 30 अंक, मतलब ग्रामर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछी जाएगी। फिर हमारा क्या आ जाता है सेक्शन बी, अपना जो है सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव का 50 मार्क्स उसी में खत्म हो गया। अब जो है सेक्शन बी आता है, बी अब भी 50 अंक का होता है, उसमें जो है क्या क्या होता है, तो उसमें हमारा क्या आ जाता है 8 अंक का निबंध आ जाता है, जो कि आपको 150 से 200 शब्द में लिखना है अप्रोक्स। आप मान के चलो कम से कम आपको मिनिमम एक पेज लिखना है इसको, निबंध को। कहानी का विस्तार 4 अंक का, 4 अंक, 4 में एक का जवाब देना होगा। कहानी का विस्तार आपको करना होगा जहां पे आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, उसमें से आपको मिनिमम एक का जवाब देना होगा, मिनिमम नहीं वहां पे एक का ही जवाब आपको देना है। कविता का विस्तार 4 में से एक का जवाब, यहां भी वही चीज है, यहां पे कहानी का विस्तार और यहां पे कविता का विस्तार, ये जो है 4 अंक के और ये भी 4 अंक के। प्रश्न पत्र लेखन या एप्लीकेशन 5 अंक के। अब जो है एप्लीकेशन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर पत्र लेखन, आपको पत्र भी लिखना, लेटर लिखने के भी बोल सकता है, तो वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, टोटल 5 मार्क्स के लिए वो रहेगा। फिर शॉर्ट आंसर 10 अंक के, 10 में से यहाँ पे जो है 10 में से आपको यहाँ पे बताया जा रहा है 10 में से 5 का जवाब देना होगा। टोटल जो है शॉर्ट क्वेश्चन कितना रहेगा, शॉर्ट आंसर में आपको कितना लिखना रहेगा, टोटल 10 में से आपको 5 का जवाब देना रहेगा। 10 क्वेश्चन रहेगा उसमें से 5 का आपको जवाब देना होगा। कविता का संक्षेपण 5 अंक का, 3 में से 1 का जवाब। भाषा 5 अंक, फिर क्या है कंप्रिहेंशन या कहानी लेखन 4 अंक, मैचिंग टेस्ट काउंसिल 5 अंक। हमारा ये सारे पैटर्न था जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले देख चुके हैं, अभी हम लोग बस इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखते हैं। यहाँ भी जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बेकार बेकार से लिए गए हैं। चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। भारत इज माई होम, चलिए ये जो है भारत इज माई होम का एक तैयारी कर लीजिए। फिर जो है हमारा क्या तैयारी करना है, फिर हमारा तैयारी करना है गुड मैनर्स का, एक तैयारी कर लेना है, ठीक है। फिर हमारा और ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं देखने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों को ज़्यादा अगर कुछ देखना है तो इंडिया ट्रू ट्रेवलर्स आइस ये देख लीजिए एक, और बस ये अपना कहानी में बस इतना ही देखना है। फिर कविता में हम लोग को क्या देखना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो ये देख लेना है एक, उसके बाद क्या देखना है सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ देख लेना है, और एक इको देख लेना है, ठीक है, इको देख लेना। उसके बाद बस हम लोग बस इतना ही देख के हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का नाम लिखा हुआ जो कि आपको कॉल किए थे उनको, तो वो सारे नाम है यहाँ पे जो है, बस इतना ही टिप्स एंड ट्रिक था। अब जो है भाई मेरा अगर बात मानोगे तो एक काम करो, अभी जो है आप लोग 50 मार्क्स अगर हिंदी का बात करें तो हिंदी का तैयारी कम से कम आप 30 मिनट आप करो, और जो है 30 मिनट के अलावा आप क्या करो, वीडियो जो मेरा अपलोड है एजुकेशन वाला चैनल पे वो सारे वीडियोस को देखो। अगर हिंदी 50 मार्क्स की बात करें तो उससे आपको हिंदी 50 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, आपको अलग से पढ़ने की कोई दरकार नहीं है उसके लिए। फिर आप इंग्लिश 50 मार्क्स को भी ऐसे ही करो, और जो है अगर 100 मार्क्स इंग्लिश की बात करें तो उसका भी आप लोग थोड़ा मोड़ा वीडियो देखो और फिर खुद से तैयारी करो मिनिमम 45 मिनट, और बाकी अपना सब्जेक्ट हिस्ट्री केमिस्ट्री और बीएसटी सब कुछ अपने से देखो, और वो सारे में भी अपना ज़्यादा ध्यान लगाना, क्योंकि जो अपना इंग्लिश और हिंदी जो है, ये हिंदी जो बहुत इजी चैप्टर है, हम लोग अगर थोड़ा बहुत ध्यान दें तो अपना निकल जाएगा इधर से। फिर आप लोग अगला सब अपना अपना सब्जेक्ट को देखिए। तो इस वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी ये सारी न्यूज़, ये सारी जानकारी बता दीजिए, और फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अभी तक कितने वीडियोज़ हैं एजुकेशन बाबा यूट्यूब चैनल पर अपलोड है। तो अगर हिंदी 50 मार्क्स की बात करें तो हिंदी 50 मार्क्स की तो एक एक वीडियो एक एक चैप्टर वाइज चैप्टर करके अपलोड हो गया है, तो आपको उसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, आप डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप चेक करें, हिंदी 50 मार्क्स लिखा होगा, 12th हिंदी करके डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, वहाँ सामने लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप जाके हिंदी का एक एक वीडियो आप देख सकते हैं। वो अगर सारे वीडियोज़ को देख लेते हैं तो आपको हिंदी का और कुछ पढ़ने का कोई दरकार नहीं। फिर हम लोग 12th का अगर इंग्लिश 50 मार्क्स की बात करें
तो अगर इंग्लिश 50 मार्क्स में हम लोग अगर सारा वीडियोस अपलोड है, अगर हम लोग वो सारे वीडियोस को देख ले तो हम लोग को इंग्लिश 50 मार्क्स में भी और कुछ ज़्यादा पढ़ने की दरकार नहीं। फिर हम लोग अगर बात करें और सब सब्जेक्ट, जैसे आपका अगर 12th साइंस में बात करें, 12th के ये जो है अपना कॉमर्स और 12th आर्ट, ये सारे में अगर बात करें तो सभी का वीडियोज़ अपलोड है। आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, एक एक वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जाके आराम से।